अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरियाली चिकन कढ़ाई। चलिए अब शुरू करते हैं हम चिकन बनाना। चूल्हा ऑन करें, कढ़ाई रखें और मीडियम हीट पर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो तब हम उसमें 1 बारीक चॉप्ड प्याज शामिल करेंगे और उसकी हल्की भुनाई करेंगे। प्याज थोड़ी नरम हो तब उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्च पीसकर शामिल करेंगे और उसे अच्छे से भुनेंगे। 1 से 2 मिनट तक उसकी भुनाई करेंगे। प्याज हमें लाल नहीं करनी है, जस्ट नरम करनी है। प्याज हमारी इस तरह अब नरम हो चुकी है, तब हमें क्या करना है, 1 किलो चिकन हड्डी वाली लेना है, उसे साफ धोकर शामिल करना और उसकी अच्छी से भुनाई करना। इतना भुने कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब हमें क्या करना है, 1/2 बंच हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें और 1 शिमला मिर्च काटकर जूसर ब्लेंडर में डालना है और 1 कप पानी डालकर उसे स्मूथ पेस्ट बनाना। अब चिकन भी अच्छे से भून चुकी है तो हमें क्या करना है, 1/2 कप योगर्ट लेना है, उसे फेंट लेना है अच्छी तरह। सिर्फ 4 टेबलस्पून योगर्ट शामिल करना है और 4 टेबलस्पून बाद में हम शामिल करेंगे और उसे मिक्स करना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी और स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसे डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी से भुनाई करें। इतना भुनना है कि पूरा योगर्ट का पानी खुश्क हो जाए। जब मसाले अच्छे से भून जाए और मसालों में खुशबू आना शुरू हो तब 1/2 बचा हुआ योगर्ट शामिल करना है और 2 साबुत लाल मिर्च लेना है, उसे 1 या 2 टुकड़े में काट कर शामिल करना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने जो पिसा हुआ मसाला हरी मिर्च, हरा धनिया और शिमला मिर्च पिसा हुआ वो शामिल करें और उसकी भुनाई करें। 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और 1 टेबलस्पून लाइम जूस से मिक्स करना है अच्छे से और उसे ढक्कन ढककर धीमी आंच पर पकने छोड़ना है। थोड़ा ढक्कन आकर हटाकर हमें देखना है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्स करें और उसे धीमी आंच पर फिर से ढक्कन ढककर 10 मिनट तक पकने छोड़ दें। अब हमारी चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी है, तब हमें फिर से 1 टेबलस्पून लाइम जूस, 1 साबुत हरी मिर्चें और जूलियन कटी अदरक शामिल करना है और उसे हल्का मिक्स करना है। अब गैस का चूल्हा ऑफ करना है और गर्मा गर्म उसे नान, चपाती, रोटी, राइस के साथ हरियाली चिकन को सर्व करें। उम्मीद है मुझे ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चिकन भी अच्छी तरह मसालों में लिपटी हुई है और इसका स्वाद इतना अच्छा है, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।